यार अंदर जाने को मिलता तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि अंदर जाता बैक साइड पे बैठा हूँ, ये बैक साइड का एरिया है। कि आप सब बढ़िया हो गए और आपका भाई भी बहुत सही है। तो आज मैं आया हूँ पंजाब एग्रीकल्चर म्यूज़ियम, एक यूनिवर्सिटी है तो उसका एक एग्रीकल्चर म्यूज़ियम भी है, तो वही देखने के लिए आया हूँ। तो अभी चलते हैं, देखते हैं, जैसा होगा आपको भी दिखाएंगे, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो बाहर का कुछ इस तरीके से है, इधर पूरे मक्के का वो लगा हुआ है, इसका मेन गेट है, ये इसका मेन गेट है। बाहर वही फिरोजपुर रोड जा रही है, तो चलिए देखना, मैं भी पहली बार आया हूँ, कैसा रहता है एक्सपीरियंस। और रही बात यार म्यूजियम की, तो वो भी देखते हैं कैसा रहेगा। चलिए अभी चल रहे हैं बस। कॉलेज छोड़े हुए, आज इतने दिन बाद किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर किया ना, अपनी पूरी कॉलेज वाली फील आ रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था आज। मेरे ख्याल से जो अपना वक्त कॉलेज और स्कूल में देते हो ना, वो आप कभी भूल नहीं सकते हो। इसीलिए यार जैसे ही एंटर किया ना, मुझे पूरे अपने यूनिवर्सिटी की फील आने लगी थी, बहुत बढ़िया लग रहा था यार। तो भाई यार यहाँ पे आके हो गया थोड़ा सा यार पंगा, क्योंकि यार बात ये है ना, मैं म्यूज़ियम के अंदर जाना चाहता था, लेकिन यार यूनिवर्सिटी को होने के चक्कर में ना, उनको चाहिए मेरा आईडी कार्ड, वो भी कहाँ का, इनके कॉलेज की यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड चाहिए था उनको, तो फिर वो चीज़ तो है नहीं मेरे पास। तो बाहर बाहर से जितना हो सकेगा वो दिखाऊँगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद भी आएगा। अभी फ़िलहाल बैठा हुआ वैसे ही बाहर, तो अभी देखते जैसा सीन होगा फिर आपसे बात करूँगा, ठीक है। काफ़ी अच्छी है वैसे, लेकिन यार अंदर जाने को मिलता तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि अंदर जाता देखता तो और सीखने को मिलता। थोड़े बहुत हैं डिपार्टमेंट, वहाँ फोटोग्राफी नहीं करनी थी, जो कहे सारा कुछ है कि बाहर ही बाहर है। तो बाहर से यूनिवर्सिटी कैसे लगती है यार, जैसा सारी यूनिवर्सिटी होती वैसे ये भी यूनिवर्सिटी, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं।
तो कुल मिला के मेरा तो आना मुझे तो लगता है आज वेस्ट ही हो गया। मैं जिस हिसाब से आया था कि जाऊंगा एक्सप्लोर करूंगा, उसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं हुआ कि उस हिसाब से हो सका। हाँ जी, तो यार एक म्यूज़ियम मिला है जो था दिखाने के लिए, लेकिन यार हम शायद मेरे को ही लेट हो गया, वो 4 बजे बंद हो जाता है और अब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो इस बार बाहर बाहर से दिखा दे रहा हूँ, अगली बार जब टाइम मिलेगा इधर आऊँगा तो फिर अंदर से भी दिखा दूँगा आपको, ठीक है। तो वैसे इसे 5 बजे बंद होता है लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अभी अंदर कोई जा नहीं रहा है, अभी बहुत सारे लोग हैं बाहर बैठे हुए हैं। तो भाई जब वो लोग नहीं जा सकते जबकि वो इसी यूनिवर्सिटी के हैं और मैं तो बाहर का हूँ, तो अभी अंदर नहीं जाने दे रहे, लेकिन बाहर बाहर से दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो ये चीज़ है, अभी मैं बैक साइड पर बैठा हुआ हूँ, तो बैक साइड से कुछ ऐसा दिखता है। ये है सोशल हिस्ट्री ऑफ रूरल पंजाब, तो कुछ इस तरीके का दिखता है, अभी आगे जाके भी दिखाऊंगा। और जो इसका मेन गेट है वो यहाँ पे है, जो देख रहे हैं सारे लोग बैठे हुए, ये है इसका मेन गेट, तो अभी आगे से भी जाके दिखाऊंगा। तो इधर एक ये चीज़ है, लेकिन पता नहीं यार क्या पंजाबी में लिखा है, जिनको पंजाबी पढ़नी आती है वो बताइएगा कि क्या लिखा हुआ। ये कुछ ऐसा कुछ दिखता है, ऐसे ही कुछ पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं, अभी आगे चल के और भी दिखाता हूँ। दूसरी जगह पे, वहाँ पे फिर मिलते हैं आपको सीधे, ठीक है। तो पहले यहाँ से निकलते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो कहने को तो यार स्टार्टिंग टाइम में तो बुरा लग रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, ये वो, लेकिन लास्ट टाइम पे वहाँ पे जो रूरल हिस्ट्री थी वहाँ जाके थोड़ा टाइम सही लगा और कुछ देखने को मिला, वरना ऐसे ही खाली हाथ चला जाता ना तो बहुत मूड ऑफ हो जाता। तो अभी एक दूसरी जगह जा रहा हूँ, इस बार पूरा जंगल एरिया है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि सिटी में भी इतने बैक साइड पे जंगल हैं भी। तो फिर अभी जा रहा हूँ उधर दिखाता हूँ आपको, ठीक है, चलो मिलता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। अभी जिस एरिया से जा रहा हूँ वो एरिया कुछ ऐसा है, अगर इधर किसी ने लूट भी लिया ना तो साला पता ही नहीं चलेगा कि किधर गया मैं। लेकिन पेड़ पौधे सही लगे हुए, तो समझ में नहीं आता ये यूनिवर्सिटी के अंदर है ये सारी चीज़ें। ऐसा कुछ है, कहने का मतलब आज दिन पूरा अच्छा सा पार हो गया, ऐसा कुछ है। ये कॉलेज की बैक साइड पे है पूरा एरिया, ये देखिए इस वाले रास्ते से आपका भाई आया था। ये डिपार्टमेंट है प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग का। अच्छा ठीक है, ये देखिए डिपार्टमेंट का नाम देख लीजिए और ना कहेंगे फिर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग इसका डिपार्टमेंट है। मुझे लग रहा है ये लैंड भी कॉलेज की है, ये वाली जो है
ये लैंड भी कॉलेज की है मेरे ख्याल से। तो भाई अगर आज ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को थोड़ा बहुत लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और देखना क्या है और आगे वो भी बता देना, वरना मैं अपने मन से ही दिखाता रहूँगा कि क्या चीज़ दिखाना है। भाई अभी हो गया था थोड़ा मिस्टेक, मैं चला गया था दूसरे रास्ते पे। ये जो अंदर से रास्ता दिख रहा है ना, ये कॉलेज वालों का ही फ्लावर फैकल्टी है, यहाँ पे जो भी फ्लावर्स को लेके होती है चीज़ें, वो चीज़ें थी। मैं सोचा इसके अंदर से रास्ता गया। कभी कभी गूगल मैप भी ना चूतिया बना देता है मेरे को। मैं गूगल मैप के सहारे, इसके अंदर से रास्ता है इस वजह से मैं इसके अंदर से जा रहा था, लेकिन अंदर बात करने पता चला कि जो रोड जा रहा था पहले उस रोड से जाना है। तो अभी फिर वही जो पक्की रोड थी उस साइड से जा रहा हूँ। हमेशा गूगल मैप सही हो ये ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ जान लो, ठीक है। अभी आ गया यार, अब सही रोड पे जा रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा गूगल मैप सही हो, इसलिए थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन भी रखना ज़रूरी है, वरना मैं तो चला ही जा रहा जो चला जा रहा था। अगर ना पूछता तो फिर तो मैं रास्ते में जाके भटक भी जाता, तो इसीलिए।